नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 से संबंधित मैं आपके लिए रोज़ाना नया अपडेट लाता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं। दोस्तों, आज इस भर्ती से संबंधित मैं आपके लिए दो नए अपडेट लाया हूं। पहला अपडेट, इस भर्ती से संबंधित आज एक पेपर में न्यूज़ आई है, वो हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, दूसरा अपडेट है, इस भर्ती का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है हाई कोर्ट ने सेकंड लेवल रीट सेकंड लेवल के परिणाम पर रोक लगा रखी है, लेकिन फर्स्ट लेवल के परिणाम पर रोक नहीं लगाई। तो दोस्तों, इसका साफ कारण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट घोषित करेगा। और दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस तरह से न्यूज़ चैनलों के सूत्र होते हैं उसी तरह मेरे भी कुछ सूत्र है जिसके हवाले से खबर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है पहले रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी करेगा और रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले या आदेश के बाद जारी करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, रीट लेवल फर्स्ट का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 20 तारीख से पहले पहले दोस्तों आ जाएगा। ये मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है। और रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट जो है वो हाई कोर्ट के आदेश या कह सकते हो आप इस महीने के अंत तक उस हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा और शायद रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट घोषित कर सकता है। और ये दोस्तों मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है। और दोस्तों, दूसरी इसका जो अपडेट है वो न्यूज़ है कि इस भर्ती से संबंधित आज एक पेपर में न्यूज़ आई है राजस्थान पत्रिका में, वो पढ़ लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों, न्यूज़ यह है, इसमें दे रखा, तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, सरकार ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की। बीकानेर राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 5 मार्च को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी। इनमें से तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के भर्ती की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई है। इसमें लेवल प्रथम के 26,000, लेवल सेकंड के 28,000 पद शामिल है। इन भर्तियों को लेकर राज्य सरकार ने 2 अप्रैल को राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2018 अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र लेवल प्रथम का अलग अलग अनुमोदन किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के लेवल प्रथम का परिणाम जारी करने पर 26,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,000 लेवल फर्स्ट के रिक्तियों का निर्धारण बाद में राज्य सरकार के 28,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर पर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की DPC होने पर जिले व विषयवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। राजस्थान पात्रता परीक्षा 2017 लेवल सेकंड का परिणाम जारी होने पर अध्यापक लेवल द्वितीय अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र के 28,000 पदों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें तो वही जो 54,000 के पदों के बारे में दे रखा है और कि रीट लेवल के 26,000 और रीट लेवल के 28,000। और दोस्तों, रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने रीट लेवल सेकंड के जो परिणाम है उस पर रोक लगाई थी, लेवल फर्स्ट पर नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है पहले रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर सकता है दोस्तों 20 तारीख से पहले पहले, और रीट लेवल सेकंड का रिजल्ट जो है वह हाई कोर्ट के फैसले के बाद या हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी करेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।